पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या। तो आपने इस चीज में ध्यान में रखना है कि पद के प्रकार कितने हैं, पद के प्रकार के नाम कितने हैं, और साथ में उनके मीन्स जब हम पद परिचय दे रहे हैं, शब्द के बारे में बता रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्द हैं, तो हमने ध्यान रखना है कि भेद कौन सा है, साथ में लिंग है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वचन कौन सा है, कार्य कौन सा है, और साथ में संबंध क्या है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आज का वीकली टेस्ट। साथ में आज भी तो आपको पता है आज हिंदी दिवस है, तो कुछ एक बच्चों ने मुझे वीडियोस बना के सेंड किए हैं, कुछ बच्चों ने मुझे चार्ट शो किए हैं। तो जब भी आप चार्ट बनाओगे तो आपने ऐसे प्रेजेंट करना है, मीन्स आपका फेस आना चाहिए, साथ में चार्ट भी शो होना चाहिए। ठीक है, तो साथ में यहाँ पर आप एक बॉक्स बना के अपना पंजीकरण संख्या लिखेंगे, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीजें होनी चाहिए। और जब वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में आप स्टार्ट जब करेंगे तो जैसे आपने स्टार्टिंग की, ठीक है, मेरा नाम अक्षित है, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ, ठीक है, मेरे विद्यालय का नाम हिमालयन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगरोटा बगवा है, मैं आज हिंदी दिवस के उपलक्ष पर आपके सामने एक कविता या भाषण या एक नारा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जब बोलेंगे तो आपने एंड में जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, ठीक है, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। तो इस तरह से आज आपने वीडियो और अपना चार्ट जो है वो प्रेजेंट करना है, ठीक है, और साथ में आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य आपको दिया मैंने पृष्ठ संख्या 61 में, प्रश्न 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये आपका व्याकरण से ही रिलेटेड, अगर आपको पद परिचय पता है, अगर आपको पेज नंबर 58 आता है, तो आप ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है बताएंगे। किसी का कोई प्रश्न है बोलेंगे, अभी तक आपको अगर पद परिचय समझ ना आए हो तो बताएंगे, फिर हम आगे अभ्यास करते हैं। ये पूछना है किसी ने, मैम किसी को कोई डाउट है, यस या नो, चलिए ग्रीन साइन दिखाइए, अगर नहीं है तो शो मी ग्रीन साइन दिखाइए, अगर आपको सब कुछ आता है तो हम आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने के लिए आप ग्रीन कलर शो करेंगे। हाँ, अनन्य दिखा रहा है, आगे कैमरा ऑन रखेंगे सभी, तभी दिखेंगे मेरे को। हाँ आयुष, हाँ बहुत अच्छे, कैमरा ऑन रखेंगे तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। रिधम, शिवम, अक्षिता भाटिया, शिवम, रिधम, पारथ, हाँ कैमरा ऑन होगा तभी आपकी क्लास जो है वो आपकी प्रेजेंट लगेगी, नहीं तो मैं आपकी एब्सेंट शो करूंगी। चलिए, अभी आपको आता है, अगर पद परिचय आता है, अगर आप वीकली टेस्ट के लिए, शाम वाले वीकली टेस्ट के लिए रेडी हैं, तो हम अभ्यास करने जा रहे हैं। पृष्ठ निकालेंगे ऑब्जर्वेशन बुक में, पृष्ठ संख्या 61। चलिए सभी निकालिए पृष्ठ संख्या 61 निकालिए। निकाला सभी ने? यस चलिए हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। हमारे 1 से 5 तक पूरे हो चुके हैं, साहित्य भाग हमारा पहले से पूरा हो चुका है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों का सही पद परिचय देना है। अब आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जो रेखांकित है, जो शब्द अंडरलाइन किया है, आपने उसका परिचय बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पायल बताएगी, 2062। पायल, पायल ऑडियो ऑन करिए। यस मैम। हाँ देखिए, पहला आपको दिया है क भाग में, सच्चाई की सदा जीत होती है, तो सच्चाई कौन सा शब्द है? सच्चाई की, दुख सच्चाई की सदा जीत होती है। पायल सच्चाई कौन सा शब्द है? पायल यस मैम। सच्चाई, सच्चाई कौन सा शब्द है? बेटे आंसर करिए।
अक्षित कुमार आप बताएंगे, अक्षित कुमार 1009। यस मैम। ऑडियो ऑन कर, पायल म्यूट म्यूट करिए, ध्यान से सुनना है पायल। पायल अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सच्चाई की सदा जीत होती है, तो सच्चाई शब्द को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि सच्चाई कौन सा शब्द है। पेज नंबर 61, पृष्ठ संख्या 61 बोला बेटे, 61। अक्षित कुमार, बताइए। हाँ, हमने पद के प्रकार देखे ना, पद के प्रकार हमारे 8 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, आवेशक, ठीक है। तो आपने बताना है कि सच्चाई कौन सा शब्द है। जब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको चीज पद परिचय समझ आए, तब तो आप सारे ही यस मैम कर रहे हैं, ग्रीन कलर दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो बच्चे फिर से बोलेंगे। अच्छा ये बताइए, क्लास में किस बच्चे को ये वाला आंसर आता है। नो, किसी को नहीं आता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको आता हो, नहीं आता है ना। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, पद परिचय में आपने बताना है कि शब्द कौन सा है। शब्द हमारे कितने हैं, 8 तरह के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्द। तो सच्चाई कौन सा शब्द है। सच्चाई बेटे संज्ञा शब्द है, ठीक है। संज्ञा में हमारा उपभेद कौन सा आ गया, भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। और वचन कौन सा है, एक वचन है। सच्चाई की सदा जीत होती है, तो वाक्य से पता लग रहा है कि कौन सा शब्द है, ये एक वचन है। अब देखो सच्चाई की सदा जीत होती है, अब क्रिया से पता लग रहा है कि ये क्या है, क्रिया है, नहीं सॉरी स्त्रीलिंग है, ठीक है, पुलिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। अब लिंग कौन सा आ गया, स्त्रीलिंग आ गया। अब संबंध क्या है, संबंध कारक की, काके की, सच्चाई की कौन सा कारक आ गया, संबंध कारक। हमने संबंध भी बताना है, उपभेद भी बताना है, लिंग भी बताना है और वचन भी बताना है। तो उपभेद कौन सा आ गया, भाववाचक संज्ञा। वचन कौन सा आ गया, एक वचन। लिंग कौन सा आ गया, स्त्रीलिंग, ठीक है। और कारक कौन सा आ गया, संबंध कारक। समझ आया। आंसर करें बेटे, समझ आएगी चीज। यस मैम। आप देखो प्रश्न 6 में कुछ शब्द हाईलाइट किए गए हैं, आपने उस शब्द का परिचय बताना है, उस शब्द के बारे में बताना है कि शब्द कौन सा है। अभी आपने प्रकार बताए तो इस हिसाब से आप पेपर भी नहीं कर पाओगे बच्चे, ठीक है। जब आप प्रकार बता रहे हैं तो आपने प्रकार में बताना है कि कौन सा प्रकार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या संबंध बोधक है, विस्मयादि है, समुच्चय है या क्रिया विशेषण है। तो सच्चाई कौन सा बेटे, भाववाचक शब्द है, ठीक है। लिंग आ गया, स्त्रीलिंग आ गया, एक वचन आ गया और की लगा है, तो की कौन सा कारक है, संबंध कारक, ठीक है। इसका मतलब है कि बच्चे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भूल चुके हैं। भूल गए संज्ञा शब्द, अक्षी चौधरी याद नहीं है बेटे संज्ञा शब्द। हमारे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जो विशेष नाम जिसका रखा जाता है किसी भी स्थान का, वस्तु का, प्राणी का, ठीक है। जाति होती है, जो एक ही वर्ग या जाति का बोध करवाती है। भाव, जिसमें मन के भाव उत्पन्न हो, ठीक है, भाववाचक संज्ञा आ गई। समूहवाचक, जिसमें एक समुदाय का बोध हो, जैसे कक्षा हो गई। और द्रव्य, जिसमें किसी भी धातु का बोध हो, ठीक है, तो धातु पदार्थ का या द्रव्य का बोध हो, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारे संज्ञा के भेद आ गए। विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक है, गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, विशेषण, ठीक है। वैसे सर्वनाम के हमारे 6 भेद हैं,
तो अगर आपको ये चीजें याद हैं तभी आप इस शब्द का जो है वो शब्द के बारे में बता सकते हैं कि शब्द कौन सा है। ठीक है, अगला पूछूं कि समझना है अभी भी? किसी को कोई चीज समझ ना आई हो बताएंगे? वंशी का पता चल रहा है बच्चे? यामिनी? चलो वंशिका मेरे को बताएगी, बंदर ने केला खाया। अब बंदर जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, तो बंदर शब्द कौन सा है बच्चे? संज्ञा। हाँ संज्ञा, संज्ञा शब्द है, बहुत अच्छे। संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक। अब देखो बेटे, व्यक्तिवाचक होता है विशेष नाम, ठीक है। अब बंदर है तो बंदर तो क्रियावाचक। बहुत सारे, कौन सा आया अक्षय? क्रियावाचक। क्रियावाचक कौन सा है? जब इसने बोला संज्ञा शब्द है, ठीक है, तो संज्ञा शब्द है तो संज्ञा में क्रियावाचक का भेद तो है ही नहीं कोई भी बेटे। संज्ञा का उप जातिवाचक। जातिवाचक, बहुत अच्छी शुभांगी। अब बंदर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, बंदर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। हाँ बहुत अच्छे। अब वचन कौन सा आया? एकवचन। एक वचन, बहुत अच्छे। और लिंग कौन सा आया? पुलिंग। जेंडर कौन सा? पुलिंग, बहुत अच्छे। और कारक कौन सा लगा है इसमें? कर्ता। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वंशिका। अब देखो बंदर कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि बंदर एक ही नहीं है, बंदर बहुत सारे हैं, ठीक है, बंदर वाली जाति के बहुत सारे प्राणी हैं। तो बंदर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और साथ में ने लगा है, तो कारक कौन सा है? कर्ता कारक। बहुत अच्छे बच्चे। चलिए मेरे को प्रियांशी बताएगी, अच्छों की संगति करो। प्रियांशी, अच्छों की संगति करो। अब अच्छों किसके लिए बोला गया है, कौन सा शब्द है? अच्छों मैम की संगति संज्ञा। करो, हाँ संज्ञा शब्द है, बहुत अच्छे। अब यहाँ अच्छों, अच्छा तो वैसे गुणवाचक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? अच्छों, लोगों को बोला गया है अच्छों की संगति करो, ठीक है। अब ये विशेषण क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अच्छा किसी विशेष चीज के लिए नहीं कहा गया है, इसमें बोला है अच्छों की संगति करो, अर्थात अच्छी लोगों की संगति करो, अर्थात इसमें क्या शब्द आ गया? संज्ञा शब्द। बहुत अच्छे प्रियांशी। और भेद को वचन कौन सा आया? यस मैम। वचन कौन सा आया? मैम एक वचन है, बहुवचन बच है? हाँ बहुवचन। इसमें देखो शब्द संज्ञा आ गया और वचन आ गया बहुवचन। बहुत अच्छे बच्चे। तो ये आ गया हमारा ग में, अच्छों की संगति करो। अच्छा, अच्छों जो है वो संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, और वचन आ गया बहुवचन। की कौन सा आ गया बेटे? की कारक कौन सा आया? कारक कौन सा है प्रियांशी? कौन बताएगा कारक कौन सा आया इसमें? अच्छों की संगति करो। परम। संबंध बोधक बच्चों, संबंध बोधक। आपको भेद पता है लेकिन आपको ये डिफाइन करने नहीं आ रहा है। मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको जो शब्द दिया गया है उसमें आपने वचन भी पहचानना है, लिंग भी पहचानना है, और कारक भी पहचानना है, ठीक है। तो की लगा है तो की कारक शब्द है, ये संबंध बोधक, सॉरी संबंध कारक है, ठीक है, संबंध बोधक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि कारक कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, और शब्द कौन सा है, ठीक है, भेद कौन सा है। तो इसमें अच्छों आ गया, संज्ञा शब्द बहुवचन है, पुल्लिंग है, और साथ में संबंध बोधक कारक है, संबंध कारक है, सॉरी, ठीक है, संबंध बोधक कारक लगा हुआ है। तो ये तो आ गया हमारा ग। अब घ बताएगा शिवम गढ़वाल। शिवम, राहुल की यस अपेक्षा गौरव अधिक समझदार है। तो की अपेक्षा को अंडरलाइन किया है, की अपेक्षा, तो ये कौन सा मैम। आया बेटे?
मैम संबंध बोधक। बहुत अच्छे, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय की अपेक्षा संबंध बोधक अव्यय। अब ये कौन सा है? अव्यय शब्द है, ठीक है, तो की अपेक्षा आ गया संबंध बोधक अव्यय। अब ये क्या है? राहुल की अपेक्षा गौरव। अब यहाँ क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है, राहुल और गौरव में तुलना की जा रही है, तो ये कौन सा आ गया? तुलनात्मक, राहुल और गौरव में संबंध स्पष्ट कर रहा है, अर्थात इस शब्द में राहुल और गौरव के बीच तुलना की जा रही है। तो आप पहले लिखेंगे संबंध बोधक अव्यय और फिर आगे कोमा लगा के लिखेंगे राहुल और गौरव के बीच तुलना की जा रही है, अर्थात तुलनात्मक शब्द है। अब मुझे दीपिका बताएगी, वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़का मेरा भाई है। दीपिका, वह जो है वो कौन सा शब्द है? दीपिका, अक्षय चौधरी आप बताओ। अक्षय चौधरी? यस मैम। हाँ, वह लड़का मेरा भाई है। अब वह जो है वो कौन सा शब्द है यहाँ पर? देखो कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप शुरू में बताएंगे कि मैम हमें ये चीज बताइए। हाँ, अभी ये शुभांगी बता रही है सार्वनामिक विशेषण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अब विशेषण क्या है? लड़का क्या है? लड़के की विशेषता को बता रहा है, वह लड़का मेरा भाई है। तो सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा शब्द के पहले लगे होते हैं। तो लड़का संज्ञा शब्द है, इससे पहले वह लगा है, तो ये आ गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब मुझे अक्षय चौधरी बताएगा ये कौन सा है, एकवचन है या बहुवचन है? अक्षय चौधरी, वचन कौन सा है? वचन कौन सा है और लिंग कौन सा है? लिंग पुलिंग। पुलिंग, बहुत अच्छे। तो इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, पुलिंग है, ठीक है, और इसमें लड़का क्या है? विशेष्य है। तो आपने जब प्रश्न छह करना है तो आपने पूरा परिचय देना है कि शब्द कौन सा है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है और साथ में कारक कौन सा जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो कर लेंगे प्रश्न छह सभी? यस मैम। Yes, अब देखिए क्वेश्चन सात में रेखांकित शब्दों के सही उत्तर देने हैं आपने, ठीक है। मैं और तुम कल फिल्म देखने चलेंगे। अब और को इन्होंने अंडरलाइन किया है तो आपने बताना है और कौन सा शब्द है, संबंध है या समुच्चय बोधक है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, बहुत अच्छे। समुच्चय बोधक कौन से शब्द होते हैं? और, तथा, या, अथवा, ठीक है, जो एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय आगे। तो और, तथा, या, अथवा, ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो और कौन सा आ गया? समुच्चय बोधक को स्टिक करेंगे। कल सीमा विद्यालय नहीं गई। अब गई कौन सा शब्द है, विशेषण है या क्रिया है? हाँ, गई कौन सा शब्द? सर्वनाम है।